अगर कभी कभी आपका रिएजेंट पास नहीं होता है तो दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपका जो रेड कलर का पाइप दिखाई दे रहा है, रेड कलर का, मैं निकाल देता हूँ उसको। यहाँ से निकालिए वैसे, या तो ये पाइप, इस पाइप का इशू हो सकता है, कभी कभी ये चिपक जाता है यहाँ से, तो ये हो सकता है। दूसरा जैसे इस पॉइंट को देखना पड़ता है कि यहाँ से पास हो रहा है कि नहीं इस पॉइंट को, या तो आप नीडल का यूज करके क्लीन कर सकते हैं, यहाँ से खोलने के बाद इसे क्लीन कर सकते हैं इसको, इस नीडल का यूज करके। वैसे ही दूसरे पॉइंट पे आपको इसको निकालने के बाद इसको क्लीन करना है। तो और कभी कभी यहाँ पे इस पॉइंट पे जाम हो जाता है, तो उसको कैसे क्लीन करना है मैं बता देता हूँ। ये नीडल है, इसको यहाँ से लेना है इस होल से, यहाँ से, और ये देखिए आगे वाले पाइप पे भी फेंक ना पड़े, यहाँ से क्लीन करना है, और ये फटे भी ना, ये मतलब कैपलरी फटे भी ना, पाइप फटे भी ना। वैसे दूसरे साइड से भी क्लीन करना है, वैसे करके क्लीन करना है। और इसका जो लेंथ होगा, और रेड वाले का लेंथ, ये लेंथ आपका पूरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, मेरा जो ए हाथ रखा हुआ ए उंगली, यहाँ से लेके इस उंगली का जो लेंथ होगा यहाँ तक मेरा ये पूरा, ये जो ब्लैक कलर का होल्डर जो है यहाँ तक, इस बड़े वाले होल्डर है यहाँ तक, ये आपका लेंथ है 100 mm होना चाहिए। ये जो लेंथ है ये पूरा और ये पूरा, यहाँ तक का लेंथ आपका 100 mm होना चाहिए, यानी कि ये पूरा रेड जो होगा, इसके अंदर भी रेड है और इस ब्लैक के अंदर भी रेड है, तो ये पूरा रेड का जो और लेंथ होना चाहिए वो 100 mm होना चाहिए। अब इसको लगाना वैसे ही है, सिंपल सा तरीका है, यहाँ से करना है, एक पॉइंट को पहले फिक्स करना है प्रॉपर, फिर आपको ये यहाँ से वो होल्डर को पकड़ के दूसरे पॉइंट को फिक्स करना, ये देखो तो फिक्स हो गया। अब इसको थोड़ा पीछे करके थोड़ा सा ऐसे करके इसको यहाँ टाइट करना, ये स्क्रू है, दूसरा ये तरीका।